नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। वाइल्ड तस्कर सोसाइटी की ओर से मनोरा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर पर्यटन विभाग और वन विभाग के संयोग से बलोट क्लब सूरीजाला में इसका आयोजन किया जा रहा है। यहां देश के विभिन्न राज्यों से जाने माने बर्ड फोटोग्राफर्स ने शिरकत की। बता दें, नैनीताल जिले के मनोरा रेंज में कई दुर्लभ पक्षियों को इन फोटोग्राफर्स ने अपने कैमरे में कैद किया। कार्यक्रम के समापन के दौरान ACF 1 नैनीताल राजकुमार शर्मा और जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने देश के कोने कोने से आए इन प्रतिभागियों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही भविष्य में इस क्षेत्र को बर्डिंग हब बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष विकास किरोला ने बताया कि 2 दिन में ही बर्ड फोटोग्राफर्स ने मनोरा रेंज के क्षेत्र में 150 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियों को ढूंढा और उन्हें ई बर्ड और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किया। जो हाई वैल्यू टूरिस्ट हैं, इनको बर्ड्स का बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, और इसी से यहाँ पे स्पॉटिंग की गई। एंड आई थिंक बहुत अच्छी इन्होंने स्पॉटिंग करी है, बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में अराउंड लॉट ऑफ स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड और स्पॉट किया गया है यहाँ पे। ई बर्ड पे उसको मार्क भी किया गया है, तो इस वजह से क्या है कि मनोरा रेंज टूरिज्म के उसमें और पॉपुलर होगा। 6 और 7 तारीख को यहाँ मनोरा वर्ल्ड का यहाँ जो है इन्होंने आयोजन किया है विकास जी ने, जो ये फुट हिल का एरिया है मनोरा का, उस एरिया में विभिन्न प्रकार की हमारी वर्ल्ड की प्रजातियाँ हैं, जिससे शायद जो है जो बाहरी लोग हैं, अनभिज्ञ हैं, आज देश के विभिन्न राज्यों से 35 यहाँ कस्टर्ड आए हुए हैं, जिनमें कुछ वर्ल्ड वाचन हैं, कुछ स्पेशली फोटोग्राफर को बुलाया गया है, जिनके द्वारा जो इस मनोरा रेंज के अंतर्गत जो वर्ड है उनकी पहचान की जा सके और उनको जियो टैग किया जा सके। आज का जो ये इनका फेस्टिवल है, ये शायद जो हमारा मनोरा क्षेत्र का जो एरिया है, ये इसको इंडिया लेवल पे नहीं, वर्ल्ड लेवल पे भी जो है इस क्षेत्र को अपनी पहचान दिलाएगा। सर, आप बात करें कहाँ कहाँ से फोटोग्राफर्स आए हैं, जो सेशन आप लोगों को चलता है, किस तरीके के सेशन करता है, क्या सीखने को मिलता है? ये 2 दिन का सेशन है और इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के हमारे पास जो है वर्ल्ड वॉचर आए हुए हैं, और यहाँ की जो वर्ल्ड की स्पेसीज है, तो ये फुटहिल का एरिया है, तो स्पेशली यहाँ जो कुछ ऐसी वर्ल्ड है जो प्लेन में पाई जाती हैं और कुछ जो है हमारे हिली एरिया में पाई जाती हैं, तो उनका दोनों का यहाँ जो है कॉम्बिनेशन है, तो उन्हीं की पहचान के लिए यहाँ जो है इन बर्ड वॉचर को बुलाया गया। जो आप ये फोटोज खींचते हैं जो बर्ड्स की, तो इसका एक ही रूपरेखा क्या गवर्नमेंट को भी आप लोग मुहैया कराते हैं, क्योंकि वो भी मांगते हैं? ये ई बर्ड के नाम से एक जो है वेबसाइट है और ऐप है उनका, जिसमें इनके द्वारा उनको जियो टैग किया गया है, बर्ड को उनके नाम बताए गए हैं, जो कोई भी सामान्य आदमी अपना लॉगिन करने के बाद उन्हें देख सकता है। ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है, जिसमें 2 दिन का ये प्रोग्राम हमने रखा था, है ना, 6 और 7 तारीख के लिए अप्रैल में, जिसमें कि पूरे इंडिया के कोने कोने से जो हैं बर्ड वॉचर आए हैं, फोटोग्राफर आए हैं, और ये एक्सपर्ट भी हैं। ये जो लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि खाली मतलब ये कैमरा लेके आ गए हैं। हम ई बर्ड एक ऐप है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, जिससे कि बर्ड्स की जो है जियो टैगिंग की जाती है, जहाँ पर बर्ड्स दिखी उस जगह की उसको उसमें एंट्री हो जाती है कि यहाँ पर ये बर्ड्स हैं। तो बहुत कम टाइम में, कल से 6 और 7 तारीख में, यार करीबन 150 से ज़्यादा स्पीसीज, जिसमें कि कुछ रेयर बर्ड्स भी हैं, जैसे कॉलर्ड फाल्कोनेट है, और उसके अलावा ब्रॉड बिल बोलते हैं, तो इस तरह की कई जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर साइट करी गई हैं। और जो ये एक्सपर्ट आए हैं, इन लोगों का ये कहना है कि वाकई में ये जगह हमने सोची नहीं थी कि इतनी रिच होगी बर्ड लाइफ में, क्योंकि अभी तो और टाइम लगेगा, और टाइम चाहिए इन लोगों को, कम से कम जब ये 10-5 बार और आए तो फिर हो सकता है कि 500 से ज़्यादा स्पीसीज निकले और भी रेयर बर्ड्स निकले। आबिद अली खान, मैं राजस्थान अजमेर से आया हूँ, इस एरिया में फर्स्ट टाइम आया हूँ। आसपास के सारे एरियाज मैंने विजिट किए और बर्ड्स की जो डाइवर्सिटी है, एवी फौना डाइवर्सिटी, वो बेस्ट है यहाँ पर, बहुत बहुत अच्छी बर्ड्स मिली।
कॉलर्ड फाल्कोन है, डॉलर बर्ड, ये ऐसी रेयर बर्ड्स हैं जो लाइफर हो सकती हैं। लाइफर मतलब फर्स्ट टाइम आपको दिखेंगे। ये बहुत अच्छा एक लोकेशन है बर्ड्स आइडेंटिफिकेशन के लिए, बर्ड वॉचर के लिए और फ्यूचर बर्ड कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि कुछ बर्ड्स यहाँ पर रेयर हैं जिनको हमें सख्ती से बहुत ज़रूरी है बचाना। सर आप अभी यहाँ पर जैसे आए नैनीताल जिले में आए हैं, तो आप कहीं जगह सर्च भी किया होगा, कहीं आप विजिट भी किया होगा आप लोगों ने, तो ऐसे कितनी जगह आपने विजिट किया है क्या सर्चिंग के लिए, क्या किस बर्ड्स यहाँ पर पाई? जो एरिया हमने देखे जैसे HMT के आसपास का एरिया है, जोलीकोट है, इस तरह का एरिया है, तो यहाँ पर अभी इस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग जो बर्ड सर्च करने के लिए हम लोग हैं, तो वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी डाइवर्सिटी मिली। मतलब टोटल नंबर अगर काउंट मैं बात करूँ तो करीब करीब 60+ बर्ड्स स्पीशीज। मेरा नाम डॉक्टर आबिद। मेरा नाम है अलका करंदीकर, मैं बड़ोड़ा गुजरात से आई हूँ और मनोरा रेंज में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो वेदर सबके लिए बहुत फेवरेबल है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ट्रेल है वो बहुत सुंदर है, और आज हमने पहाड़ों पे ट्रेल किया है और पहाड़ चढ़ना उतरना हमारे यहाँ तो बिल्कुल फ्लैट टेरेन रहता है, तो पहाड़ चढ़ने उतरने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन बहुत मज़ा आया और हमारे ही ट्रेल में ब्रॉडबिल साइटिंग हुआ है तो और भी अच्छा लग रहा है। नाम है मोनाल त्रिवेदी, मैं गुजरात अहमदाबाद गुजरात से हूँ, और ये जैसे कि ये मेरा पहला सर्वे है मनोरा रेंज में, और बहुत से ऐसे बर्ड्स मैंने देखे हैं कि जो मेरे लाइफ लिस्ट में मैंने मतलब अभी ऐड हुए, बहुत सारे नए बर्ड्स देखे मैंने। और आज जो हम ट्रेल पे गए थे बसूटिया में, तो वहाँ पे हमने एक रेयर स्पीशीज़ देखी है जिसका नाम है डॉलर बर्ड, तो और एक और देखा है फाल्कनेट करके, तो वो बहुत ही इल्यूसिव बर्ड है जो आज हमें देखने को मिला है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत से हूँ, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 125 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन बायो डाइवर्सिटी में हम लोग ने मनोरा रेंज का 2 दिन में जो सर्वे किया है, बायो डाइवर्सिटी के लिए जो है एरिया बहुत अच्छा है, फ्लोरा फाना, यहाँ तक कि मैंने मतलब इस अपने बर्डिंग वाले इस फेस्टिवल में मैंने कुछ मैमल्स पे भी और हमारे साथ वालों ने भी मैमल्स पे भी कुछ थोड़ा सा देखा है इसमें, तो मैंने आज सुबह में डायरेक्ट जो है लेपर्ड भी इनकाउंटर किया है यहाँ, और साथ वालों ने इन्होंने लेपर्ड कैट देखी है इसमें। और बर्डिंग के लिए तो वैसे भी उत्तराखंड जाना जाता है, तो मनोरा रेंज तो वैसे भी एक ना एक दिन तो हाईलाइट होना है इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो आप उसकी बायोडाइवर्सिटी देखेंगे और जो जंगल का जो पैटर्न देखेंगे आपको, यहाँ पर मिक्स फॉरेस्ट ऐसा है कि यहाँ पर सारी स्पीशीज़ आपको, जैसे 7 ताल में लोग दौड़ते हैं ऐसे ही एक दिन यहाँ मनोरा में भी दौड़ेंगे। मेरा नाम अख्तर मियाँ खान है और मैं पीलीभीत से हूँ। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN News। धन्यवाद।